1954 में पंचशील समझौता जब भारत के साथ चाइना ने किया था, उसके बाद 1959 में उस पंचशील समझौते को तोड़कर चाइना ने हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के लिए अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कहता है कि मेरी फाइव फिंगर्स हैं, फाइव फिंगर्स में अलग अलग स्टेट्स आते हैं, अलग अलग जगह आती हैं, उन जगहों को भी वो हथियाना चाहता है। लेकिन अब उसने एक नया पैतरा खेला है, उस नए पैतरे में वो खुद फंसता जा रहा है। उसने सबसे पहले जो जिस इलाके पे कब्जा 1959 में किया था, तिब्बत, उसके जो धार्मिक गुरु थे, वहाँ के जो धर्म के गुरु थे, उन्होंने भाग के भारत में शरण ले ली। उन्होंने भारत के भाग में जब शरण ली तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह दे दी गई थी कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, और वो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अभी भारत में। ये उन्होंने खुद कहा है कि अभी मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ। और उन्होंने शी जिनपिंग के प्रस्ताव पर उन्होंने एक जवाब भी दिया है कि मैं भारत में रहूँगा और भारत में मुझे अच्छा महसूस होता है। साथ ही साथ उन्होंने शी जिनपिंग से मिलने की कोई भी होप को, मतलब उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। अभी टोक्यो फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्लब की मेजबानी करने वाले ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की मेरी कोई खास योजना नहीं है। जो कि ये जब ये चीज़ चाइना के लोग या तिब्बत के लोग सुनते होंगे तो उनको बहुत हर्ट फील होता होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। शी जिनपिंग से मिलने की उनकी कोई खास इच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की कोई खास वजह इसलिए नहीं बताई कि उन्होंने राष्ट्रपति पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए रहने भी के लिए भी शी जिनपिंग की योजना पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। तिब्बत आध्यात्मिक गुरु ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट नेता संस्कृतियों की विविधता को नहीं समझते हैं, मतलब कल्चर और जो वहाँ का चीज़ें हैं रिलीजन से उनको नहीं समझते हैं, वो असल में आध्यात्मिक नियंत्रण लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। बता दें कि चीन सभी धर्मों पर कड़ा नियंत्रण रखता है। हाल ही के वर्षों में उसने तिब्बत, तुर्की, मुस्लिम, उगर तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाकर सांस्कृतिक समावेशीकरण अभियान चलाया था, मतलब सबको एक करने की कोशिश कर दी थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है काट पीट के उनको ठीक कर दिया जाए। दलाई लामा ने 2011 में राजनीति से संन्यास ले लिया। कुछ लोग ऐसा लगेगा कि शायद पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। साथ ही साथ आज के टाइम में ही धर्मशाला में रह रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा और कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।